दोस्तों, बालों का झड़ना आज एक आम प्रॉब्लम हो गई है। यह प्रॉब्लम हर एज के लोगों में दिखाई दे रही है। किसी किसी में ओवरऑल हेयर फॉल होता है तो किसी में एक पोर्शन के बाल झड़कर गंजापन दिखाई देता है। मैं डॉक्टर वर्षा झंवर आज आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ हेयर फॉल। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए हेयर फॉल के क्या कारण हैं, इसके लिए क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, कुछ फूड आइटम्स जो हमें हमारे डाइट में लेना है और कुछ होम रेमेडीज़। जिस प्रकार पेड़ के पत्ते झड़ते हैं और उसमें नए पत्ते आते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे बाल भी झड़ते हैं और उसमें नए आते हैं। दिन के 50 से 100 बाल झड़ना नॉर्मल है और कुछ सीजन्स भी होते हैं जिसमें बाल झड़ना नॉर्मल है, जैसे मानसून पतझड़। पर यदि बाल अत्यधिक झड़ रहे हैं और कहीं पैचेस में बाल्डनेस दिखाई दे रहा है तो इसके लिए कारण जानना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं हेयर फॉल के कुछ कॉजेस। हेयर फॉल के कॉजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट है एज, जेनेटिक्स, स्ट्रेस, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड प्रॉब्लम, क्रॉनिक इलनेस जैसे टाइफाइड, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, केमिकल जो हमारे बालों में यूज़ होते हैं, उसके बाद पॉल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, फंगल इन्फेक्शन और सर्जरी और बर्थ कंट्रोल पिल्स, ये सब इसके बहुत कॉमन कॉजेस है हेयर फॉल के। आइए जानते हैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बालों में साफ़ सफाई रखने की, यानी बालों को रेगुलर वॉश करना है विथ माइल्ड शैम्पू। इसके साथ है विटामिन की टैबलेट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, आयरन टैबलेट्स बहुत ज़रूरी है, ओमेगा 3 फैटी एसिड टैबलेट्स, फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, योगा, मेडिटेशन, जो कि स्ट्रेस रिड्यूस करता है और हार्मोन्स को भी बैलेंस करने में मदद करता है। हमें स्काल्प को स्वेट फ्री और डर्ट फ्री रखना है। ऑयली हेयर के कारण और पसीने के कारण डैंड्रफ होता है, तो हमें यहाँ डैंड्रफ ठीक करना है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें डैंड्रफ के शैम्पूज़ यूज़ करने हैं, अवॉइड डैंड्रफ शैम्पूज़, हमेशा होम रेमेडीज़ यूज़ करिए डैंड्रफ को ठीक करने के लिए। इसके बाद हमें डॉक्टर की एडवाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कॉज को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं डोंट्स, हमें क्या नहीं करना है। गीले बालों को ब्रश करना हमें अवॉइड करना है, यानी कोम करना हमें अवॉइड करना है, और बहुत फ्रिक्वेंटली कोम करना भी अवॉइड करना है। गीले बालों को टॉवेल से नहीं रगड़ना है, उन्हें अपने आप सूखने दीजिए। इसके साथ है अल्कोहल और स्मोकिंग बंद करना है, अवॉइड यूजिंग कॉन्स्टेंट हीटिंग एंड ड्राइंग प्रोडक्ट्स, अवॉइड यूजिंग केमिकल्स, अवॉइड हॉट शावर, अवॉइड यूजिंग हेलमेट्स एंड कैप्स फॉर लॉन्ग टाइम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें पानी की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ानी है, 8 से 10 ग्लासेस पानी हमें दिन का पीना है। अब कुछ फूड आइटम्स हैं जिसे हमारी डाइट में ऐड करना है हमें, जैसे पालक, गाजर, एग, ओट्स, वॉलनट्स, सभी प्रकार के दालें, स्ट्रॉबेरीज, गुआवा, योगर्ट और स्वीट पोटैटोस। कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिससे हेयर फॉल भी कंट्रोल में रहेगा और डैंड्रफ भी कम होएगा। इसके लिए एप्पल सिडर विनेगर में बराबर क्वांटिटी का वाटर मिला के इसे बाल धोने के बाद बालों में अप्लाई कीजिए और फिर जेंटली मसाज दीजिए। सेकेंड है कोकोनट ऑयल में नींबू रस मिला के बालों में लगाइए, दही में शहद मिला के बालों में लगाइए, नीम का थिक पेस्ट बना के बालों में लगाइए, एग योक जो बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मेथी दाने को रात भर भिगो के उसे पेस्ट बनाइए और उसमें लेमन जूस मिला के बालों पे लगाइए, ग्रीन टी बैग्स को गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डाल के रखिए, उसे ठंडा होने दीजिए, फिर उसे स्काल्प में लगाइए।
तुलसी का थिक पेस्ट बना के उसमें आंवला पाउडर मिलाइए और इसे अपने स्काल्प में लगाइए। इसके साथ एलोवेरा जूस, प्याज का रस, कोकोनट मिल्क, बीट रूट जूस, यह सब आपके बालों पे आप लगा सकते हैं, जिससे आपका डैंड्रफ और हेयर फॉल दोनों ही कंट्रोल में रहेगा। होम रेमेडीज़ के अलावा आप होम्योपैथी मेडिसिन भी ले सकते हैं, जो आपके हेयर फॉल के कॉज को ठीक करेगा और आपकी ये समस्या को ठीक कर सकता है। इसके लिए आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको हेयर फॉल कंट्रोल करने में काम आएगा, और इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। आपसे नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।